ऑयलिंग करने का बेस्ट डे कौन सा है? ऑयलिंग करने के इमीडिएट बाद शैम्पू करें या ना करें, कंडीशनर का यूज करें या फिर टोनर का, या फिर सीरम लगाएं तो कब लगाएं, और शैम्पू कौन सा लगाएं, और किस दिन लगाएं, और कितनी देर के लिए लगाएं। अगर ये सारे सवाल आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा रूटीन शेयर करने जा रही हूँ और बताना चाहती हूँ। रूटीन का मतलब होता है रेगुलरिटी, यानी डिसिप्लिन वे से आपने इस रूटीन को फॉलो करना है, जो आपकी हेयर ग्रोथ तो करेगा ही करेगा, और साथ में जो अभी तक आपने अपने बालों में डैमेज कर लिया है, कुल बेकार हो चुके हैं, बेजान हो चुके हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप आराम से दूर कर पाएंगे। फिर जो ये रेमेडी है वो अपने कमाल के रिजल्ट तो आपको देने ही वाली है, जिसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, और एज इट इज जो जो चीजें मैं बता रही हूँ वो आपको फॉलो करनी है। तो आपको इस रूटीन में सबसे पहले क्या करना है, सुबह से हमें इस रूटीन को फॉलो करना है। कुछ चीजें आपको इनटेक करनी है एक महीना लगातार, और आपको जो मैं शैम्पू और बालों को धोने का रूटीन बता रही हूँ बस एज इट इज आपको फॉलो करना है। तो अब आपने क्या करना है, आंवला जूस खरीद कर लेकर आना है इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में। आंवला जूस किसी भी परचून की दुकान से मिल जाएगा। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं पतंजलि का यूज करती हूँ, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी, आपको जो मन करता है वो यूज करो। तो आपने एक चम्मच लेना है आंवला जूस, और उसको आपने दो चम्मच पानी में मिलाकर सुबह खाली पेट पी लेना है, और उसके एक घंटे बाद ही आपको कुछ करना है। अब जो भी हमारा रूटीन स्टार्ट होता है, वीक डे होता है, वो होता है मंडे। मंडे से हमारा ये रूटीन स्टार्ट होता है। अब मंडे को अगर आपने हेड वॉश करना है, ऑफिस जाना है, घर पर है, तो बेस्ट डे होता है। तो आपने क्या करना है, संडे को एक दिन पहले ऑयलिंग करनी है, रात को सोने से पहले, ठीक है। ऑयलिंग करके अच्छे से आपने सोना है। लेकिन अगर आपने ऑयलिंग नहीं करी किसी दिन से, या आप मेरा वीडियो जो है मंडे को ही देख रहे हैं, तो अब आपने हेड वॉश करना है। तो हेड वॉश में आपने ऊपर फोकस करना है कि आपने केमिकल वाला शैम्पू यूज नहीं करना, आपने जो है बिल्कुल नेचुरल शैम्पू यूज करना है। क्योंकि अगर केमिकल वाला करोगे तो आप बिना ऑयलिंग के तो आपके बाल बहुत ज्यादा ओवर ड्राई हो जाएंगे। मंडे आपने हेड वॉश कर लिया, ऑयलिंग कर रखी है, तो अच्छे से आप कोई भी शैम्पू यूज करें, केमिकल वाला तो फिर भी ना करें, माइल्ड शैम्पू ही प्रेफरेंस दें कि आप हमेशा लॉन्ग रन के लिए अगर आपको बालों को अच्छा रखना है तो वही यूज करें, ठीक है। बिना केमिकल वाला माइल्ड शैम्पू यूज करें, नेचुरल यूज करें। उसके बाद आप अपने बालों की लेंथ में, कभी भी बालों की जड़ों में कंडीशनर नहीं लगाना, हमेशा बालों की जड़ों में ना लगाते हुए बालों की सिर्फ लेंथ में आपने कंडीशनर को लगाना है। 15 मिनट बाद आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद कोशिश करें कि अपने बालों को नेचुरल ड्राई होने दें। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, हम में से बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं, गीले बालों में हम ट्रैवल करने लगते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कहीं भी बाहर जा रहे हैं या किचन में चले गए, तो गीले बालों में जब स्वेट आता है, मिट्टी चिपकती है, तो आपके बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, डैंड्रफ बढ़ता है, बालों में झड़ने की समस्या बढ़ जाती है, और बाल जो हमारा बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। तो आपको पहले बालों को अच्छे से नेचुरल ड्राई करना है, उसके बाद ही आपको कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करनी है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है बालों को सुखाने का, तो मैं आपको कभी प्रेफरेंस नहीं करूंगी कि आप गीले बालों में बाहर जाएं, क्योंकि आपके बाल उतने ही डैमेज होते हैं, उतनी ही स्मेल प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपने क्या करना है, कोई भी हीटिंग टूल लेना है और उसको डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कूल ड्राई पर आपको उसको अपने बालों को सुखाने का कोशिश करनी है। ये रूटीन हुआ। टिप नंबर 3 क्या आती है कि आपको पूरा दिन पानी बहुत ज्यादा पीना है। पानी जो होता है बेसिकली आपके बालों का पीएच लेवल मेंटेन करता है, जिससे कि आपको बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं होगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपने बाल अपने सही रखने हैं तो आपने पूरे दिन में कोई भी दो फ्रूट इनटेक करने हैं और अनहेल्दी चीजों से दूर रहना है। अब आप रात को जब घर आएंगे तो अपने बालों में अच्छे से कॉम करेंगे, क्योंकि कॉम करने से हमारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और बालों का बंद बनाकर आप सो जाएंगे। बहुत लोग बालों को खुला रख के सोते हैं, ऐसा हमें नहीं करना, क्योंकि जितना हम बालों को खुला रखते हैं उतने टैंगल्स हमारे बालों में बनते हैं, यानी उतने उलझते हैं, और हमारे बालों के झड़ने की समस्या दिन ब दिन बढ़ जाती है। ये हो गया रूटीन मंडे का। अब ट्यूसडे क्या करना है, ट्यूसडे आपके बाल ऑटोमेटिकली फ्रेश रहेंगे, पूरा दिन आपको फ्रेशनेस फील होगी, तो कुछ भी नहीं करना, आपने अपना वही डेली रूटीन जो भी आप करते हैं ऑफिस वर्क करना है, बालों से छेड़ाखानी नहीं करनी, वही रात को ट्यूसडे को आना है, बालों को अच्छे से कॉम करना है और बालों को अच्छे से बांध के सो जाना है। बात आती है वेडनेसडे की। बहुत सारे लोगों का आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, स्वेट आता है, डस्ट लगती है, लोग दो दिन में परेशान हो जाते हैं। अब उनको होता है कि जैसे ही थर्ड डे है तो दोबारा से वॉश करें, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि वेडनेसडे को वॉश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ओवर वॉश भी हमारे बालों को डैमेज करता है। अब आपने क्या करना है, एक टॉवल लेना है, उसको आपने पानी में डिप करना है, उसको अच्छे से निचोड़ लेना है और अपने पूरे बालों में लपेट लेना है, और लपेटने के बाद आपने अपने बालों की जड़ों में टॉवल को हल्का हल्का रब करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो इससे आपके बालों में फ्रेशनेस आ जाएगी, आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे
ठंडा फील करेंगे, आपके जो बालों में ऑयल आ गया था, डस्ट आ गई थी, वो सब चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बालों को नेचुरल आप ड्राई करें, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल बनाना है वैसे बनाएं, और जो भी एक्टिविटी करनी है चाहे इंडोर की है या आउटडोर की वो आप करें। फिर वेडनेसडे आप रात में आएंगे और वापस से अपने कॉम करेंगे, बालों का बंद बनाएंगे। थर्सडे को बहुत सारे लोग हेड वॉश करना पसंद नहीं करते, तो थर्सडे आपने अपने बालों को नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं करना, छेड़ना नहीं है, क्योंकि वेडनेसडे ऑलरेडी आपने अपने बालों को पेट ड्राई करा है, तो ऑटोमेटिकली आपके बाल फ्रेश है। बात आ जाती है फ्राइडे। अब फ्राइडे को आपने रात को सोने से पहले ऑयलिंग करनी है, कोई भी अपना फेवरेट ऑयल लगा लीजिए, या मेरे चैनल पर बहुत तरह की रेमेडीज है उनको जरूर ट्राई कर सकते हैं। अनियन ऑयल लगा लीजिए, कैस्टर ऑयल लगा लीजिए, नॉर्मल नारियल तेल में आप कैस्टर ऑयल मिला के, थोड़ा सा आलमंड ऑयल मिला के, विटामिन ई का कैप्सूल ऐड कर सकते हैं, वो आप अपने बालों में लगाएं, बहुत अच्छा पोषण देगा। उसको लगाने के बाद सैटरडे आप अपना नॉर्मल हेड वॉश कर लें। ठीक है, सैटरडे वॉश करने के बाद में दोबारा से जब आपने ऑयलिंग करनी है, तो आपने नेक्स्ट डे सैटरडे है, मूवी का प्रोग्राम होता है मोस्ट लोगों का, मतलब कोई भी आउटडोर एक्टिविटी का नाइट प्रोग्राम्स होते हैं, तो सैटरडे आपके बाल फ्रेश रहेंगे। अगेन आपने संडे को ऑयलिंग करनी है और फिर मंडे को वॉश करना है। ये जो वीक का रूटीन है, इस वीक में आपने क्या करना है, आप 15 डेज अपने आप से चैलेंज करें कि आपने कुछ भी बाहर का नहीं खाना, अनहेल्दी चीजें आपने अवॉइड करनी है, फ्राइड चीज आपने अवॉइड करनी है, पानी जरूर पीना है और डेली के 2 फ्रूट खाने हैं। ठीक है, और सुबह जो आपको बताया आंवला जूस, ये सारा आपको मैंने रीकैप दे दिया है पूरी वीडियो का, तो ये आपने डेफिनेटली ये सब चीजें फॉलो करनी है, और स्लीप अच्छे से लेनी है। ठीक है, फोन को सोने से 1 घंटा पहले अपने आप से दूर कर दो, ताकि आप अच्छे से नींद ले पाओ। मैं आपको 100% चैलेंज देती हूँ कि आपके बालों में जो डैमेज आ गया है वो दूर हो जाएगा, प्लस में आपके बाल इतने सुंदर हो जाएंगे, इतने हेवी हो जाएंगे, उनका वॉल्यूम इतना बढ़ जाएगा कि आप देखकर हैरान हो जाओगे। अगर ऐसी वीडियोस मेरी पसंद आती हैं, तो अपनी ईशा को बहुत सारा प्यार दो, प्यार देने के लिए पता है वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, आई ईशा मेहरा। मिलते हैं कल, बाय बाय।